हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल के कीवर्ड्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम कीवर्ड्स चैप्टर नंबर 4 के। तो फर्स्ट कीवर्ड है हमारा, ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेंथ में भी आपके काम आएगा, इसलिए आपने अच्छे से समझना है पूरा चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी हैमर्ड बिटन इनटू द शीट। ऐसी प्रॉपर्टी जब हम मेटल को क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं या हथौड़े से पीटते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से पीटते हैं, तो वो क्या बन जाती है, एक शीट बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। जैसे कि आपने देखा होगा ना, एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर आते हैं, ठीक है, तो फॉइल पेपर क्या होता है, एल्यूमिनियम मेटल है, उसको जो है हैमरिंग करके या बिटन करके या किसी भी मशीन से उसे क्या बना दिया जाता है, एक शीट बना दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। डक्टिलिटी जब हम मेटल के, वो प्रॉपर्टी जब हम उसको क्या बना देते हैं, तार के रूप में बना देते हैं, तार बना देते हैं खींचकर, ठीक है, वो तो उसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। आपने देखा होगा ना, मेटल्स की वायर बनती हैं, ठीक है, वो वायर्स इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ होती है, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, जो उसको खींचकर तार बनाया जाता है, शीट से पीटकर अगर, सॉरी, उसको पीटकर अगर शीट बनाया जाता है तो वो क्या है, मैलेबिलिटी, और वायर्स बनाया जाता है तो वो प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चा सोनारस। सोनारस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू गिव अ रिंगिंग टिंकलिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब मेटल पे हम चोट करते हैं ना किसी चीज़ से, तो वहाँ पर रिंगिंग या टिंकलिंग साउंड आती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, सोनारस। जैसे कि हमारे घरों के बर्तन ले लो, ठीक है, पॉट्स, वो क्या होते हैं, अगर हमसे गलती से कोई ग्लास या थाली या कुछ भी गिर गया, ठीक है, तो क्या होता है, टन सी आवाज़ आती है ना, तो इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनारस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लस्टर। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल हैविंग ए शाइनी अपीयरेंस, ठीक है, जब वो चमकता है, आपने मेटल देखा होगा ना, मेटल की चीज़ें क्या होती है, शाइनी होती है ना, चमकदार होती है, इसीलिए तो उनका यूज़ ज्वेलरी में किया जाता है ना, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी है? द प्रॉपर्टी बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ ए मेटल टू अनदर। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, अनदर एंड की, द प्रॉपर्टी जब हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, एक से स्टार्ट ऑफ पॉइंट से और लास्ट पॉइंट तक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो, उस प्रॉपर्टी को कंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे कि देखो, मेटल का यूज़ वायर में किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है आगे पास हो, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और जो हम खाना बनाते हैं तो वहाँ पे बर्तन यूज़ करते हैं ना मेटल के, क्यों, ताकि वो हीट हो जाए, जल्दी से गर्म हो, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कंडक्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, एसिडिक ऑक्साइड। तो ये आपने ध्यान रखना है, द ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है ऑक्साइड्स के साथ, वो क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड, और ये वाटर में डिजॉल्व होके क्या देते हैं, एसिड देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? द ऑक्साइड ऑफ द मेटल दैट बेसिक इन नेचर। जो मेटल होता है वो बेसिक नेचर होता है, इट मीन्स दे फॉर्म बेस ऑन द एडिशन ऑफ वाटर। जब उसमें हम वाटर मिलाते हैं तो वो कैसा देता है प्रॉपर्टी, वो जो है बेस की प्रॉपर्टी देता है। तो ये आपने दोनों चीज़ें याद रखना है कि बेसिक ऑक्साइड कौन देता है, मेटल, और एसिडिक ऑक्साइड कौन देता है, नॉन मेटल, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड्स जो है आपकी हेल्प करेंगे चैप्टर को समझने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।